हे गाइस, अगर तुम लोगों ने इसके पहले वाले एपिसोड कब तक नहीं देखे हो तो हाँ प्लीज देख लेना, क्योंकि बहुत से इंपॉर्टेंट है और उसके साथ ही हाँ तुम्हें मजा भी आने वाला है, तो इसलिए तुम लोग चेक कर सकते हो हमारा प्लेलिस्ट, क्योंकि इधर तुम लोग को इसके सारे एपिसोड देखने के लिए मिल जाएंगे, तो इसलिए तुम लोग उधर जा सकते हो और इसके सारे एपिसोड देख सकते हो बहुत सारे इजिली और देख लेना। एपिसोड का स्टार्टिंग होता है और हमें दिखा सर कोमी को, जहाँ पर कोमी अपने स्कूल में आते हैं, जहाँ पर कोमी को देखकर जो सारे स्टूडेंट होते हैं वो कोमी को देखकर ही पागल सा हो जाते हैं। तो इसको देखकर कोमी सोचते ना जाने इनको क्या हुआ। पहले इसके बाद ही कोमी मिलती है नाजिमी से, जहाँ पर नाजिमी भी कोमी को देखकर बहुत ज्यादा शॉक्ड होती है और उसके साथ ही वो भी कहती है हाँ मजा आ गया। और उसके बाद वो मिलती है रैन से, जहाँ पर रैन भी यही करती है और उसको देखकर कोमी सोच नहीं पाती है ये सब क्या चल रहा है, यानी इन लोगों को क्या हुआ है। वह उसके बाद कोमी चली जाती है तरानो के पास और उसके बारे में लिख के कह देती है। सभी लोग कोमी को देख रहे हैं और उसके बाद उन लोगों का रिएक्शन कुछ और हिस्सा हो जाता है और उसके बाद तरानो कहता है ये सब तुम्हारे ड्रेस के कारण हो रहा है। और उसके बाद कोमी सोचती है क्या ड्रेस के कारण क्या, यानी तो स्कूल का ड्रेस है। और इसके बाद तरानो कहता है नहीं ऐसा बात नहीं है, यानी तुम समर के ड्रेस में बहुत अच्छी लग रही हो तो इसलिए हो सकता है ऐसा हो रहा है। और उसके साथ ही हाँ इधर तरानो भी शर्मा गया था क्योंकि इस ड्रेस में कोमी बहुत से अच्छी लग रही होती है। वेल इसके बाद वेलसी नाच रहे एक्सरसाइज रूम में, जहाँ पर मकेरू कह रही होती है उन लोगों का फिर से एक फिजिकल टेस्ट होने वाला है और इस बार वो कोमी को नहीं छोड़ेगी। यानी इसके पहले टाइम में कोमी और मकेरू एक साथ ही एक ही फिजिकल टेस्ट में थे, जहाँ पर कोमी ने बहुत से अच्छा किया था, इसलिए उस टाइम पर मकेरू अपना बेस्ट नहीं दे पाई थी। लेकिन अब फिर से एक मौका आ गया मकेरू के पास, यानी अपने आप को साबित करने का, तो इसलिए वो सोचते हैं हाँ इस बार वो जीतेगी ही जीतेगी। पर इसके बाद में दिखा सर ऐसे ही इधर स्टूडेंट आ जाते हैं और इसके बाद में दिखा सर फिजिकल टेस्ट में, जहाँ पर कोमी बहुत से अच्छा करती है, यानी हाँ इस बार भी मकेरू हार रही होती है और कोमी जीत रही होती है। वह इसके बारे में दिखा सर यानी आखिर में हमें दिखा सर एक रेस में और इस रेस में आके मकेरू सोचते हैं ये उसके लिए लास्ट चांस है, यानी अगर मकेरू इधर जीत गई तो हो सकता है इसके बाद लोग इसको मकेरू जीतेगी और उसके बाद हो सकता है सब लोग मकेरू को अच्छा बोलेंगे, यानी मकेरू ही सबसे ज्यादा बेस्ट है ऐसा वो दिखा सकती है और ऐसे वो मोटिवेट होती है। और इसके बाद ये रेस स्टार्ट हो जाता है, जहाँ पर मकेरू पहले से बहुत ज्यादा स्पीड लगा रही है और इसके कारण मकेरू के चेहरे का नक्शा बदल जाता है। लेकिन इसके बाद भी मकेरू अपनी स्पीड नहीं कमाते, यानी वो इस मैच को या फिर इस रेस को जीतना चाहती थी और इसलिए वो अपना बेस्ट दे रही होते हैं। और उसके साथ ही मकेरू आगे होते हैं, जहाँ पर इसको देखकर मकेरू खुद ही से हैप्पी होते हैं, यानी वो सोचती है वो इसको जीत सकती है, यानी थोड़े ही देर में मकेरू इसको जीत लेगी। लेकिन इसके बाद ही मकेरू शॉक्ड हो जाते हैं क्योंकि इसके पीछे से कोमी उसके आगे निकल जाती है और इधर कोमी बहुत ज्यादा स्पीड में थी और उसके साथ ही कोमी बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से दौड़ रही थी, जहाँ पर इसको देखकर मकेरू समझ लेती है हाँ वो ये मैच भी जीत नहीं सकती। यानी कोमी देखते ही देखते ये रेस जीत लेती है, जहाँ पर इसको देखकर मकेरू गुस्सा होती है और उसके साथ वो अपसेट भी होते क्योंकि इस बार भी मकेरू बहुत ज्यादा बुरी तरीके से कोमी से हार गई थी। लेकिन इसके बारे में मकेरू सोचते हैं हाँ ये बात भी सही है, यानी कोमी बहुत ज्यादा अच्छी है फिजिक्स में तो इसलिए हाँ वो ही जीतना चाहिए। वेल इसके बाद मकेरू कोमी के पास आ जाती है और उसके बाद वो अपना हाथ आगे बढ़ा देती है फ्रेंडशिप के लिए, यानी वो कहती है हाँ हम लोग अगली बार देख लेंगे, यानी मैं तुम्हें अगली बार देख लूंगी और तुमने बहुत ज्यादा अच्छा किया। और उसके बाद में दिखा सर इसको देखकर कोमी फिर से डर जाती है, यानी गाइस तुम लोग तो जानते ही हो कोमी बहुत ज्यादा डरती है दूसरों के साथ बात करने में, तो वो कैसे हैंडशेक कर सकते हैं, तो वो कैसे किसी के साथ हाथ मिला सकते हैं। वेल इसके बारे में दिखा सर कोमी अपना हाथ आगे बढ़ा रहे होती है, लेकिन इसी बीच मकेरू सोचते हैं शायद हो सकता है कोमी मुझे अपना हाथ नहीं मिलाना चाहती, यानी कोमी मुझे एक राइवल की तरह देखती है। इसको जानकर मकेरू अब भी हैप्पी होती है, यानी वो सोचती है जानकर मकेरू अब भी हैप्पी होती है, यानी वो कह रही होती है कोमी मुझे अपने राइवल की तरह देखती है और ये अच्छा बात है, उसके बाद वाले टेस्ट में मैं तुम्हें देख लूंगी, यानी कोमी तुम रेडी रहना। और उसके बाद कोमी इधर घुसने कहती है और इसको देखकर मकेरू हैप्पी होती है और वो इधर से चली जाती है और ऐसे जो उनका दिन था वो खत्म हो जाता है। खैर इसके बाद में दिखा जा रहा है कोमी और तदानो अपना सूट पहन रहे होते हैं और इसी बीच इधर नाजिमी आ जाती है और उसके बाद वो कहने लग जाती है वैसे कोमी आज मेरा एक मन है, यानी मेरा एक बात है। और उसके बाद कोमी अपने इशारों से कहती है हाँ तुम बता सकती हो और उसके बाद नाजिमी कहती है तो मुझे ऐसा लग रहा है हमें तुम्हारे घर पे जाना चाहिए, यानी तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए। और इसके बाद इसको सुनकर तदानो बहुत ज्यादा डर जाता है और इसके बारे वो कहता है वैसे तुम क्या कह रहे हो, यानी नाजिमी क्या ही जाना नहीं हो रहा। और उसके बाद नाजिमी को चुप करवाती है और उसके बारे में कहती है हाँ मैंने सही बोला, यानी मैं चाहती हूँ मैं तुम्हारे घर में जाऊँ और उसके साथ ही हम लोग एक साथ टाइम स्पेंड करें। और इसके बारे में दिखा सकते कोमी को, जहाँ पर कोमी इससे राजी होती है, यानी कोमी भी उन लोगों को लेना चाह रही थी। वेल इसके बाद वो लोग चले जाते हैं कोमी के घर में, वेल इसी बीच हमें दिखा सकते यानी कोमी के घर में कोमी की मदर को, जो कि बहुत ज्यादा अच्छे लग रहे होते हैं, यानी कोमी की मदर और उसके साथ कोमी एक साथ ही बहुत ज्यादा मैच करते हैं। वाले इसके बाद वो लोग कोमी के घर में आ जाते हैं और उसके बाद जो कोमी की मदर होती है वो भी इधर आ जाती है और उसके बारे में देखते हैं कोमी के दोस्तों को, जहाँ पर इसको देखकर वो बहुत ज्यादा शॉक्ड होती है, यानी कोमी की दोस्त ये तो बहुत अलग सा बात है। खैर इसके बारे में कहती है हम लोग इधर आए तो इसलिए मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा। और इसके साथ वो बातें करने लग जाते हैं और इससे ही हमें पता चलता है जो कोमी की मदर है वो कोमी से बहुत ज्यादा अलग है, यानी
जहाँ कोमी किसी के साथ बातें करना चाहती है लेकिन वो नहीं कर पाती है, लेकिन जो कोमी की मदर है वो बहुत अच्छी है बातें करने में। वेल्स की बारी, वो लोग कोमी के घर में यानी कोमी के रूम में आ जाते हैं। खैर इसके बाद रूम में आकर वो लोग एक साथ बैठ जाते हैं और इसके बाद वो लोग एक साथ ही कुछ सोचने लग जाते हैं, यानी वो लोग बातें नहीं कर रहे होते क्योंकि ऑब्वियसली कोमी का रूम है तो इसलिए कोमी को कुछ कहना चाहिए, लेकिन फिर भी कोमी चुप होते हैं तो इसलिए वो लोग भी चुप होते हैं। इसके बाद वो लोग ऐसे बहुत टाइम बिता रहे थे, यानी कोई भी किसी के साथ बातें नहीं कर रहा था, जहाँ पर इसी बीच नाचे भी कहते हैं वो बाहर जाना चाहती है, यानी वो टॉयलेट जाना चाहती है, तो और उसके बाद ही नाचे में बाहर आ जाती है। लेकिन ये बस नाचे में का एक प्लान था, यानी नाचे में बाहर आने के बाद वो दरवाजे में आ जाते फिर से और उसके बारे में वो छुप छुप कर देखने लग जाते हैं, यानी कोमी और उसके साथ तरानो क्या क्या बातें करते हैं क्योंकि वो जाना चाहते हैं, और ऐसे वो छुप कर देखने लग जाते हैं। जहाँ पर एक टाइम पर इधर कोमी की मॉम भी आ जाते हैं और उसके बारे में नाचे हुए देखकर कुछ और ही सोचते हैं, यानी ये क्या कर रही है, क्या ये लड़की पागल है। वैसे इसके बारे में दिखा अंदर वाला सीन जहाँ पर कोमी और तदानो एक साथ ही ऐसे बैठे होते हैं, यानी अभी वो लोग बातें नहीं कर रहे होते हैं, तो इसी के बाद भी वो लोग कुछ भी बातें नहीं करते हैं, तो इसी देखकर नाचे में गुस्सा होते हैं। पहले इसके बाद नाचे में रूम में आ जाते हैं और उसके बारे में कहते हैं, तरानो मैं जानती हूँ इस रूम में ऐसा कुछ भी तो होगा कि कोमी हमें नहीं दिखाना चाहते हैं, यानी जैसा कि हो सकता है बिस्तर के नीचे कोई लड़का होगा, यानी हो सकता है या फिर कोई बुक होगा जो कि एडल्ट होगा, तो कि कोमी हमें नहीं दिखाना चाहती है। वेल इसके लिए तरानो कहता है, लेकिन तुम ये सब क्या बातें कर रही हो, और उसके बाद ही नाचे भी कहते हैं, नहीं मैं जानती हूँ ऐसा सबके रूम में होता है। वैसे हाँ गाइस मुझे ये बताना, तुम्हारे रूम में भी कुछ ऐसा है जो कि गाइस तुम दूसरों को दिखा नहीं सकते हो, ऐसे मुझे बताने की कोई भी जरूरत नहीं है वो क्या है, लेकिन तुम हाँ या फिर ना में उत्तर दे सकते हो। मेरे रूम में तो नहीं है या फिर हो भी सकता है मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन जहाँ पर मैं छुपा था वो जगह मैं भूल गया, तो इसलिए वो चीजें तो अब मुझे नहीं मिलने वाली। वैसे हाँ तुम बता सकते हो, तो अब बढ़ते हैं एपिसोड की तरफ। तो इधर नाचे में सियर होते हैं, हाँ इधर कुछ तो ऐसा है जो कि कोमी हमें नहीं दिखाना चाहते। वेल इसके बारे नाचे में पूरे रूम को चेक करने लग जाते हैं और इसके बाद नाचे में कुछ मैगजीन को भी निकालती है, जहाँ पर इसको देखकर तराना सोचता है क्या कोमी ये सब देखती है, लेकिन इसके बाद ही वो लोग देखते हैं तो दूसरों के साथ कैसे बातें किया जाए उसके ऊपर एक किताब था, यानी ये कोई गंदा चीज नहीं था। खैर इसके बाद सही वो लोग देख लेते हैं एक एल्बम को, जहाँ पर इसके अंदर एक कोमी के बहुत सारे पुराने फोटोज होते हैं और उसमें कोमी बहुत ज्यादा क्यूट तो होते हैं, लेकिन गाइस उसमें भी कोमी बहुत से अलग से ही होते हैं, यानी लेकिन उस टाइम में भी कोमी बहुत से अजीब हुआ करती थी। वेल ऐसे ही उन लोगों का रात हो जाता है और इसके बाद में दिखा चले रात का सीन, जहाँ पर तरानो नाचे में एक साथ ही बाहर आ जाते हैं और उसके बारे में वो लोग कहते हैं हमें माफ कर देना, यानी वो तो देखते देखते कब रात हो गई हमें पता ही नहीं चला, और उसके बारे कोमी अपने इशारे से कहते हैं नहीं कोई बात नहीं है, और उसके बाद वो दोनों घर में चले जाते हैं। और उसके बारे में दिखा जाए रात को कोमी अपना मोबाइल देख रही होते हैं और उसके बीच कोमी को एक मैसेज आ जाता है, और उसके बाद कोमी उस मैसेज को देखते हैं जहाँ पर मैसेज आया था नाचेमी से, लिखा हुआ था आज के लिए थैंक्स और आज मैंने एक फोटो लिया जो कि तुम नहीं जानते हो साइंस से, और उसके बारे नाचे में दिखा देती है, यानी उस मैसेज पे एक फोटो होता है जो कि नाचे में चुपके लिया था और ये बहुत ज्यादा अच्छा हुआ था, यानी इसको देखकर कोमी बहुत ज्यादा हैप्पी होते क्योंकि ये फर्स्ट ऐसा फोटो था जहाँ पर कोमी अपने दोस्तों के साथ एक साथी थी, यानी कोमी के लिए बहुत ज्यादा स्पेशल था तो इसलिए वो हैप्पी होते हैं। और उसके साथ ही वो रात को कह रहे होते हैं, वो अपने पेरेंट्स को कह रहे होते हैं वो फोटो को निकालना चाहते हैं। खैर इसके बारे में दिखा सकते उसके बाद वाले दिन में, और अब भी कोमी हैप्पी होते हैं, तो इसी देखकर तरानो और नाचे में वो दोनों भी हैप्पी हो जाते हैं, और उसके बाद वो लोग एक साथ ही प्लान बनाते हैं, वो लोग एक पार्टी करेंगे। ऐसे इन लोग का स्कूल का लाइफ बहुत ज्यादा अच्छा है, वेल मेरा नहीं था, लेकिन जो भी उसके बाद वो लोग यही प्लान फिक्स कर लेते हैं, यानी लंच में वो लोग बाहर जाएंगे खाने के लिए, और उसके बारे वो लोग ऐसे प्लान बना रहे होते हैं, और इसी बीच इधर आ जाते हैं अगारी, और उसके बारे वो कहते हैं अगर तुम लंच करना चाहते हो तो मेरे पास एक जगह है, यानी मैं जानती हूँ तुम्हें कहाँ जाना चाहिए क्योंकि उधर का लंच सबसे ज्यादा अच्छा होता है, यानी तुम लोगों को खाकर अच्छा लगेगा, तो उससे तुम लोग क्या बोलते हो। और उसके बाद वो लोग भी कहते हैं ठीक है अगारी, अगर तुम इतना ही ज्यादा चाहते हो हम लोग जाएं तो ठीक है हम लोग चले जाते हैं। और उसके बाद वो लोग आ जाते हैं उसी जगह के बहुत ज्यादा फेमस रेस्टोरेंट पे, जहाँ पर बहुत ज्यादा अच्छा उदोन खिलाया जाता है, यानी दिया जाता है। वैसे इधर आकर नाचे भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हैं, और उसके साथ वो कह रही होती है अगारी तुमने हमें नाचे में कहती है अगारी तुमने हमें बहुत अच्छे रेस्टोरेंट पे लाए हो और उसके लिए थैंक यू, और ऐसे वो बकबक कर रही होते हैं। जहाँ पर इसके बाद अगारी नाचे में को रोक लेती है और उसके बारे में बताया जाता है इस रेस्टोरेंट का पहला नियम, यानी इधर कोई भी इतना ज्यादा लाउडली या फिर ऐसे बात नहीं कर सकता है, सब लोगों को इधर शांति रहना होता है। नाचे में के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल था, और उसके बारे में कहा जा रहा है डरानो अपना जो ऑर्डर होता है वो दे रहा होता है, लेकिन इसके बारे में देखते हैं उसके पीछे एक लाइन सा खड़ा हो जाता है, और उसके बारे में बताया जाए दूसरा नियम जो कि था टाइम का वेस्ट नहीं करना, यानी जिसको जो करना होगा वो स्पीड में करेगा, उसका काम जितना भी बड़ा हो या फिर छोटा हो। इसके बाद डरानो अपने सीट में आ जाता है, और उसके बाद दिखा चले कुक को, जहाँ पर ये भी बहुत अजीब सा होता है, यानी इसने ये सब नियम रखे थे जो कि एक रेस्टोरेंट पे हाँ ये सब तो लागू होना नहीं चाहिए। पर इसके बाद सबको अपना अपना डिश दे दिया जाता है, और उसके बाद में दिखा चले कोमी को, जहाँ पर कोमी एक स्टाइल से खाते हैं, यानी कोमी शांत भी होती है और उसके साथ ही बहुत ज्यादा स्टाइल से वो खा रही होती है।
और इसको देखकर सब लोग इंप्रेस होते हैं, यानी खासकर जो उनके सेफ या फिर कुक इसको देखकर बहुत सारा इंप्रेस होते हैं, क्योंकि कोमी बिना आवाज करके बहुत से अच्छे तरीके से खा रही होती है। और इसके साथ ही हमें दिखा चले ददानो और नाजिमे को भी, जहाँ पर उन लोगों को भी बहुत सारा मतलब बहुत ज्यादा ही खाना आया था, जहाँ पर इसको देखकर वो लोग डर चुके थे, यानी कि उन दोनों के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था। वेल इसके बारे में दिखा चले अगारी और कोमी को, जहाँ पर उन दोनों ने अपना देश खत्म कर लिया था बहुत सारा अच्छी तरीके से, लेकिन हमें दिखा चले नाजिमे और ददानो को, जहाँ पर वो लोग अपना देश खा ही रहे होते हैं लेकिन अभी खत्म नहीं हो रहा था, यानी उन लोगों के पेट में शायद से बहुत सारा आ गया था तो इसलिए वो लोग खत्म नहीं कर पा रहे होते हैं। वैसे इसके बारे में दिखा रहे उसके बाहर वाला सीन, यानी वो लोग बाहर आ जाते हैं जहाँ पर ददानो और नाजिमे का हालत बहुत बुरा हो गया था, यानी उन दोनों ने हद से ज्यादा खा लिया था। वैसे इसके बारे में दिखा रहे क्लासरूम में, जहाँ पर वो लोग एक साथ ही बातें कर रहे होते हैं, और इसी बीच में दिखा रहे एक लड़की को जो की बहुत सारा अजीब होती है, यानी वो अलग ही कपड़ों में होती है और उस लड़की का एक आंख बंद होता है, यानी गाइस ये बहुत ही बड़ी रेफरेंस है। चुनीबो ऐसे एक एनीमे है जो कि गाइस तुम लोगों ने सच में देखा ही होगा, उसी का ही ये एक बहुत भयंकर रेफरेंस है, क्योंकि गाइस इसको तुम लोगों ने हाँ उस एनीमे में देखा है, यानी उस एनीमे का जो एमसी है मेन वाली एमसी वो ये है। इसके बाद वो क्लासरूम में आते हैं और उसके बाद वो कोमी के पास अगर कहने लग जाते हैं, हाँ मैं तुम्हें जानता हूँ यानी कोमी। इसको सुनकर सब लोग शॉक्ड होते हैं और उसके साथ वो लोग कह रहे होते हैं, तुम ये सब क्या कह रहे हो, यानी ये कोमी है हमारे क्लासमेट, लेकिन वो अभी कह रहे होते हैं कोमी आप कोमी नहीं हो, यानी आपका जो इसके पहले वाला जन्म था उस टाइम में आपका नेम था कोमिला, लेकिन आप फिर से आ चुके हो और आपके टाइम पर आपका नेम है कोमी। और ऐसे वो कह रहे होते हैं, जहाँ पर जो बाकी सब दोस्त होते हैं वो लोग सोचने लग जाते हैं ये लड़की क्या बकरी है। वैसे यहाँ नाचवे जानती थी लड़की पहले से ही ऐसे ही है, यानी गाइस बहुत ज्यादा अजीब। वैरस के बाद वो लड़की फिर से कहती है, ठीक है आप नहीं चाहते, यानी आपको सच में मेरा आग दिखाना ही होगा, जो कि मैं नहीं दिखाना चाहती लेकिन मुझे दिखाना ही होगा। और उसके बाद वो अपना आग दिखा देती है, जहाँ पर ये पिंक होता है, यानी इसका आई पैक पिंक होता है। उसके बाद वो फिर से कहते हैं, उसके बाद वो अपना आई दिखा के जैसे भाग जाती है। और गाइस हाँ तुम लोग इसको डायरेक्टली कह सकते हो ये लव चुनीबियो का एक बहुत भयंकर वाला रेफरेंस है, जो कि गाइस 100% मिलता है, यानी गाइस यही हुआ था उधर भी। वैसे हाँ अगर तुम लोग इसके बारे में नहीं जानते हो तो तुम लोग देख सकते हो इंटरनेट पे, उधर तुम लोग को इसके बारे में इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, या तुम लोग देख सकते हो। इस लड़की के जाने के बाद ही ददानो कहता है शायद हो सकता है वो लड़की कोमी का दोस्त बनना चाहती है। और उसके बाद ही नाचवी कहती है शायद ददानो तुम नहीं चाहते, यानी नाका नाका पहले से ऐसे ही है, यानी वो अपने फैंटेसी वर्ल्ड में खिली रहती है, यानी खोई रहती है, पहले से अजीब है। और उसके साथ ही ददानो तुम भी, यानी पहले के टाइम में तुम भी अपने फैंटेसी वर्ल्ड में बहुत ज्यादा घुसे हुए थे। और इसको सुनकर ददानो कहने लग जाता है नहीं तुम ये सब मत बताओ, यानी इधर ददानो बहुत ज्यादा शर्मा जाता है। और उसके बारे में लिखा सारे कोमी इसके बारे में सुनने के लिए बहुत उत्सुक हो जाते हैं, यानी वो इसके बारे में सुनना चाहती थी। इसको देखकर नाचे भी कहने लग जाते हैं ठीक है अगर तुम सुनना चाहते हो तो मैं बता सकते हो ददानो के पहले के टाइम के बारे में। और उसके बारे में दिखा चले पहले के टाइम में ददानो बहुत ज्यादा अलग हुआ करता था, यानी जो उसका लुक था वो बहुत अलग था, और उसके साथ ही उसका जो बिहेवियर होता है वो भी उस टाइम में एक बच्चे की तरह होता है। वैसे इसके बाद ददानो ऐसे एक दिन घूम रहा था, लेकिन इसी बीच वो एक लड़की को देखता है और उसके बाद वो उस लड़की के प्यार में आ जाता है। उसके बाद ददानो एक प्लान बनाता है और उसके बाद वो नाचिमे को कहता है नाचिमे एक बात है क्या तुम मेरे लिए करोगी, और उसके बाद नाचिमे कहती है हाँ तुम जो बोलोगे मैं करूंगी। और उसके बाद हमें दिखा चले फील्ड में, हमें दिखा चले प्लेग्राउंड में, जहाँ पर ददानो ने उस लड़की के लिए LOVE यानी लव लिखा था। नाचिमे ये बात उस लड़की को भी कह देती है, यानी एक तरफ से ददानो ने उस लड़की को इम्प्रेस किया था, या फिर हाँ तुम लोग कह सकते हो प्रपोज किया था। खैर इसके बारे में दिखा चले ददानो और वो लड़की एक जगह में आ जाते हैं, यानी एक अकेली जगह में आ जाते हैं। उसके बाद वो दोनों बातें करते हैं, जहाँ पर जो लड़की होती है वो डायरेक्टली ददानो को रिजेक्ट कर देती है, जहाँ पर ददानो कहता है लेकिन क्यों, यानी उसमें ऐसा क्या नहीं है जो कि वो नहीं चाहती है, क्योंकि वो तो बहुत कूल है। और उसके बाद वो लड़की कहती है नहीं तुम कूल नहीं हो, तुम एक पागल हो, यानी तुम जैसा करते हो वो अजीब है और तुम्हारे साथ ऐसे कोई भी दोस्ती नहीं करेगा। और ऐसे बोलकर वो इधर से चली जाती है। और उसके बाद ददानो जान लेता है हाँ ये एक पागलपन है, यानी फैंटेसी वर्ल्ड में घुसे रहना ये बहुत अजीब बात है। और उसके बाद से ही ददानो जान लिया था नहीं ऐसा उसे नहीं करना होगा, यानी इसके बाद से ही ददानो नॉर्मल बन जाता है। और यही था ददानो की सैड स्टोरी। वेल इसके बाद आज एक्सरसाइज रूम में जहाँ पर बातें हो रहा था, यानी टीचर कहती है तुम सारे स्टूडेंट्स को एक टास्क दिया जाएगा और उसके लिए तुम लोगों को अपना पार्टनर सिलेक्ट करना होगा। और इसके बारे में दिखा चले इसको सुनकर सब लोग एक्साइटेड हो जाते हैं। वेल इधर हमें दिखा चले नकानाका को, जहाँ पर नकानाका सोचते हैं वो कोमी के साथ अपना पार्टनर बनाएगी, यानी कोमी के साथ रहेगी, क्योंकि वैसे भी कोमी कोमी लाए। हाँ नकानाका की फैंटेसी वर्ल्ड। वेल इसके बारे में दिखा चले नकानाका आ जाते हैं कोमी के पास और उसके बारे में देखती है। कोमी के पास बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो कि कोमी को अपना पार्टनर बनाना चाहते थे, और इसे देखकर नकानाका जान लेती है कोमी उसके पास तो नहीं आने वाली, यानी उसके पास इतने से स्टूडेंट है जो कि उसके साथ पार्टनर बनना चाहते हैं, तो इसलिए वो कैसे आ पाएगी। वेल इसके बाद नकानाका एक जगह में बैठ जाती है और उसके बारे में देखती है, हाँ कोई फर्क नहीं पड़ता नकानाका के पास कोई आए या फिर ना आए, क्योंकि वैसे भी नकानाका के लेवल का कोई भी नहीं है, अकेले ही सब कुछ कह रही होती है। और उसके बाद वो बैठ जाती है और इसके बाद में दिखा से ऐसे ही नकानाका बहुत अपसेट हो जाती है, यानी नकानाका इस बात को कहकर अपने आप को दिलासा दे रही थी हाँ ऐसा हो सकता है, लेकिन ऐसा बात नहीं था। यानी नकानाका जान रही थी
उसके पास कोई भी आना नहीं चाहता है, उसकी पार्टनर कोई भी बनना नहीं चाहती, तो इसलिए वो सोच रही थी क्यों कोई मेरे पास क्यों नहीं आता है, मुझे क्यों कोई भी सिलेक्ट नहीं करता है। और ऐसे वो अपसेट हो जाती है बहुत ज्यादा। लेकिन इसी बीच नकारा महसूस करती है उसके पास कोई आ गई थी, और इसके बारे में देखते उसके पास आ गई थी कोमी, और उसको देखकर नकारा बहुत दूर चली जाती है। यानी वो सोचती है कोमी मेरे पास कैसे आ सकती है। इसके बारे कोमी नकारा के पास अगर कहती, यानी कोमी नकारा के पास आते और अपना हाथ आगे बढ़ा देते, जहाँ पर नकारा इसे एक्सेप्ट कर लेते, यानी वो दोनों एक फ्रेंडशिप में आ गए थे। और उसके बाद वो दोनों एक साथ ही मिलकर इस टास्क को कम्प्लीट करते हैं, जहाँ पर इसको देखकर जो कोमी के फ्रेंड होते हैं वो लोग हैप्पी होते हैं, यानी कोमी दूसरों को अपना फ्रेंड बना सकती है, और यही देखकर वो लोग हैप्पी होते हैं। वेल, इसके बारे में दिखा सकते हैं ऐसे ही शाम हो जाता है, और इसके कारण सब लोग अपने घर चले जाते हैं। लेकिन तुम लोग तो जानते हो तदानो प्रेसिडेंट है, तो इसलिए उसको लास्ट तक रुकना पड़ता है नाजिमी को भी, क्योंकि नाजिमी वाइस प्रेसिडेंट है। लेकिन इसके बारे में बताया जाता है जो नाजिमी है वो डायरेक्टली अपने घर चली गई थी एक मैसेज देकर, तो इसलिए अब तराना को अकेले ही अपना घर जाना था। वेल, इसके वजह तरानो नीचे आ जाता है और उसके बारे में देखता है इधर पैसे होते कोमी, और उसको देखकर वो साउट होता है क्योंकि कोमी अब तक अपना घर नहीं गई थी। इसके बारे कोमी लिखकर कहते हैं, तो क्या कोमी लिखकर कहते हैं क्या वो तरानो का अम्ब्रेला यूज कर सकती है, और उसके बाद तरानो कहता है हाँ अगर तुम चाहते हो तो तुम कर सकते हो। और उसके बाद तरानो अपना अम्ब्रेला कोमी को देने के लिए आगे आ जा रहा है, यानी वो अपना अम्ब्रेला ढूंढता है जहाँ पर उसका अम्ब्रेला इधर नहीं होता, और उसे देखकर वो शॉक्ड होता है। और उसके साथ ही उसे एक लेटर मिलता है जहाँ पर लिखा हुआ था तरानो का अम्ब्रेला चोरी हो गया, इसका फर्स्ट नेम है एन, यानी गाइस ये नाजिमी ले गई थी और उसके साथ ही नाजिमी ने ये सब लिखी थी। जहाँ पर तरानो इस बात को जान लेता है, और इसलिए तरानो आ चुका था एक बहुत बड़ी मुसीबत में, क्योंकि बाहर बहुत जोर की बारिश हो रहा था। और उसके साथ ही दिखा सकते कोमी के पास पहले से एक छतरी होता ही है, कोमी के पास पहले से एक अम्ब्रेला होता है, जहाँ पर इसको देखकर तरानो सोचता है नाचने कोमी क्या बातें कर रही थी। वाले इसके बाद कोमी तरानो को अपने पास बुलाती है, और उसके बाद वो दोनों मिलकर एक साथ ही जाने लगते हैं, क्योंकि तरानो के पास और कोई रास्ता नहीं था। इसके कारण तरानो का बहुत बुरी हालत हो गया था, क्योंकि एक छतरी के नीचे हाँ उन दोनों को बहुत पास आना था, यानी पास रहना ही होगा, तो इसलिए तरानो थोड़ा दूर चला जाता है, यानी जो अपना गैप है वो थोड़ा मेंटेन करता है। लेकिन इसके लिए ही तरानो भीग जा रहा है, जहाँ पर इसको देखकर कोमी उसको अपने पास बुलाती है, और उसके बाद कोमी भी थोड़ा दूर हो जाते हैं, और उसके कारण कोमी भी भीग जाते हैं, यानी वो दोनों एक तरफ से भीग चुके थे। वेल, इसके बाद वो दोनों चले जाते हैं शॉपिंग मॉल में, इसके बाद वो दोनों टिश्यू का यूज करके अपने आप को सुखा लेते हैं। वेल, इसके बाद तरानो कहता है मुझे तुमसे एक क्वेश्चन करना था। वेल, इसके बाद तरानो कहता है वैसे मेरे पास एक क्वेश्चन था, यानी हाँ मुझे तुम्हें एक क्वेश्चन पूछना है। और इसके बाद कोमी कहते हैं, यानी अपने इशारों से कहते हैं क्या, और इसके बाद तरानो कहता है क्या तुमने मेरा जो लेटर है यानी जो वो नोट था उसको देखकर ही तुम रुक गई थी। और उसके बाद हमें दिखाया जा रहा है जो कोमी होती है वो कुछ और ऐसा हो जाती है, यानी वो ब्राइट हो जाती है। और इसके साथ ही इस एपिसोड का एंड हो जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि तुम लोगों को एपिसोड देखकर पसंद आया होगा, एपिसोड बहुत ज्यादा ऑसम था, हाँ मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा, तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम लोग इसका बार वाला एपिसोड भी देखो, तो इसलिए मुझे बोल लेना। मैं चाहूँ तो बहुत टाइम बात कंटिन्यू कर रहा हूँ, लेकिन हाँ कर तो रहा हूँ, तो इसलिए हाँ तुम लोग देख सकते हो एंड। आज के लिए बस इतना ही, बाय।